इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक रूम में बाहर ताला लगा हुआ, अंदर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मृत पड़ा हुआ है करके राव थाने में रिपोर्ट हुई। उसी के इन्फॉर्मेशन को लेके एक मर्डर के कायम की गई और विवेचना में लिया गया और पूछताछ जो मृतक का दोस्तों का, उनके काम और उनका जो फैमिली के साथ पूछताछ में कुछ सस्पेक्ट निकल के आए, तो सस्पेक्ट्स को हमने पूछताछ के लिए लाए और जब पूछताछ किए तो इन्फॉर्मेशन मिला कि उसका मर्डर किया गया है। इसमें इसका फैमिली यानी कि वाइफ का और इसका मृतक का भी दोस्त बनता है, तो दूसरा एक और व्यक्ति भी वो उसमें निकल के आया है। तो दो लोग इसमें प्लान करके एग्जीक्यूट किए हैं और पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि दो और लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इसमें, जो घटना में शामिल थे। तो दो लोग हमारे पास हैं, उसका वाइफ, मृतक का वाइफ अंजलि उर्फ पूजा और ये करण सिंह सिद्धू। इनका हाँ संबंध थे, इनका दोस्ती थी और फैमिली में आना जाना था। इसमें एक चीज़ ये है कि इनका लव मैरिज है, जो यशवंत और इस पूजा का लव मैरिज है। मैरिज के बाद इनसे दोस्ती हुई काम के दौरान और देहरादून में जो इनका नेटिव प्लेस है ये है। इसमें आपका इंसिडेंट का क्यों न्योता दिया गया, इस जानकारी में हमने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला कि इसने फैमिली में आई दूरी को कम करने के लिए, जो 6 साल से यहाँ सिप्ला कंपनी में काम कर रहा था तो उसको छोड़ के वो वापस अपना घर जा रहा था देहरादून। उसको जॉब भी मिल गया था विंडलास फार्मा देहरादून। तो जब ये वहाँ शिफ्ट करने का पूरा प्रयास कर रहा था और घर भी लेने का सोच रहा था, उसी में जो वाइफ को थोड़ा अच्छा नहीं लगने लगा और तब जाके ये प्लानिंग शुरू हुई और इसको इस घटना को यहीं पे अंजाम देना है करके डिसाइड किया हुआ था। तो उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ तक आए। करण सिंह आया था कोटा से राजस्थान। ये कोटा राजस्थान में फर्नीचर का शॉप है इसका।